हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज आपको बताऊंगा कोई भी GTA 5 में गाड़ी व्हीकल कैसे रिप्लेस करना है, बाइक हो कुछ भी हो। तो आपको सबसे पहले ये वेबसाइट पे आ जाना है। ये वेबसाइट आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी रिप्लेस करना है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है डाउनलोड करने के बाद, तो बुगाटी वाला फोल्डर। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन शो हो रहे होंगे, फाइल्स शो हो रही, लेकिन हमें इनमें से सिर्फ रिप्लेस को ओपन करना है। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे, लेकिन हमें सिर्फ मॉड्यूल पे जाना है। मॉड्यूल पे जाने के बाद आपको ये तीन फाइलें दिख रही होंगी, ठीक है। अब हमें इसको क्लोज करना है, क्लोज नहीं करना है, मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको ओपन आईवी ओपन कर लेना है, ठीक है गाइस। तो ओपन आईवी शुरू से ओपन करके दिखाता हूँ एक बार ही आपको। तो ये लीजिए विंडोज, स्टार्ट 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 हो जा जा स्टार्ट हो गया गाइस, लोड हो गया। अब सबसे पहले आप किसी भी फोल्डर पे, अगर आपने ओपन किया हो, तो सबसे पहले आपको GTA 5 पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे आके, ठीक है, सर्च पे आ जाना है और इसको अब थोड़ा साइड कर देना है। अब इस पे आ जाना है, तो जो आपको सबसे लास्ट वाले फोल्डर पे ये जो हेडर लिखा है ना, इसको एक बारी क्लिक करना है, ठीक है। एक बारी राइट क्लिक करने से ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, रीनेम के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कंट्रोल प्लस सी दबाकर इसके जो डॉट है, डॉट के आगे वाले अक्षर कॉपी कर लेने हैं। डॉट के आगे वाले अक्षर कॉपी करके आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देने हैं। आप टाइप भी कर सकते हो, लेकिन वो मेरे पास आपको समझाने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट ही किया। सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये वाली कॉपी पेस्ट। इससे क्या होगा, जो भी आप इसकी फाइल आप रिप्लेस करना चाहते हो, जो उसमें फाइल है वो उस सर्च मार के ले आएगा, ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये सेम, ये भी सेम है, ठीक है। YTD इस पर भी लिखा है YTD, तो ये हमारी सेम फाइलें मिल चुकी हैं। अब आप इन फाइलों में से, इस जो चिड़ी वाली फाइल है जिसमें मतलब कि कागज़ का जहाज होता है ना जो बच्चे बनाते हैं, इसमें क्लिक करना है हमें। ये सिंगल क्लिक पे ये फोल्डर खुल जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली ये फाइल आ चुकी है। अब सिंपल है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ओ सॉरी एडिट मोड ऑन कर लेना है। एडिट मोड ऑन करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप और शू मंतर, अब ये रिप्लेस हो चुका है। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।